एक समय की बात थी, चंपानगर नाम का एक छोटा गांव था। इस गांव में पुतलीराज नाम का एक आदमी था जो मूर्तियां बनाने में माहिर था। एक दिन पुतलीराज ने उनके गांव में एक लड़की को देखा जो बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था त्रिपुरा। त्रिपुरा आसपास के आने गांव में उसकी सुंदरता के कारण वो काफी प्रसिद्ध थी। पुतलीराज को त्रिपुरा बहुत पसंद था। उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। इस कारण वो हमेशा त्रिपुरा की एक झलक के लिए उसके घर के सामने से जाता था। एक दिन पुतलीराज ने त्रिपुरा को तोहफा देने के लिए एक मूर्ति बनाने लगा जो बिल्कुल त्रिपुरा की तरह था। चंपानगर गांव में एक चुड़ैल का निवास था। उस चुड़ैल को सुंदरता का लत था। वो चुड़ैल काफी सुंदर थी, परंतु जो कोई अधिक सुंदर था उसे मारकर उनका रूप ले लेती थी। इस प्रकार वो काफी लोगों की जान लेकर उनकी सुंदरता छीन लेती थी। ऐसा हुआ कि त्रिपुरा को काफी रिश्ते आ रहे थे। ये बात पुतलीराज को जब पता चला, वो अपने दिल की बात त्रिपुरा को बताने का निर्णय लेते हुए उसे बताने के लिए निकल पड़ा और त्रिपुरा से बोला, सुनिए, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो, क्या हुआ? मुझे घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, बोलो। मेरा नाम पुतलीराज है। मुझे आप बहुत पसंद हो। क्या आप मुझसे शादी करोगी? सच में मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। हर दिन मैं तुम्हें छुप कर देखा करती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए और देखते ही देखते दोनों की शादी हो गई। उसी समय वो चुड़ैल का नजर त्रिपुरा पर पड़ा। उसे देखकर वो चुड़ैल बोली, अति सुंदर, इसे मैं आज रात किसी भी तरह मार कर उसकी सुंदरता छीन लूंगी और उसका रूप लेकर अति सुंदर बन जाऊंगी। ये कहकर वहां से चले गए। शाम हुआ और भोजन के बाद त्रिपुरा अपने मायके जा रही थी। इस कारण उसके यात्रा के लिए ये गाड़ी बुलवाया गया। देखो मेरी प्यारी बीवी, संभल कर जाना और पत्र लिखना ना भूलना, ठीक है? ठीक है जी। ये कहकर त्रिपुरा चले गई। और पुतलीराज को काफी अकेलापन महसूस हो रहा था। इस कारण वो त्रिपुरा के लिए जो मूर्ति बनाया जो बिल्कुल त्रिपुरा के रूप में था, उस मूर्ति से बातें कर रहा था। रात हुआ और वो चुड़ैल देख रही थी कि पुतलीराज अपने बीवी से बातचीत कर रहा था। उस चुड़ैल को पता नहीं था कि वो उसकी बीवी नहीं बल्कि वो उसकी बीवी का मूर्ति था। ये देखकर वो चुड़ैल बोली, बात कर लो, इतनी बात करना है पूरा कर लो,
कल से तुम्हें मुझसे ही बात करना पड़ेगा। अब तुम्हारे बीवी का खैर नहीं। ये कहकर वो त्रिपुरा को मार डालने के लिए उस मूर्ति का सिर दबाकर उस मूर्ति के अंदर घुस जाती है। पुतलीराज आया और उस मूर्ति को एक कपड़े से ढक दिया और सोने गया। अगले दिन वो चुड़ैल नींद से उठी और बोली, आखिरकार मैं इस पूरे गांव में सबसे सुंदर बनूंगी। ये कहकर अपना कदम बढ़ाई परंतु चल ना पाई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझसे चला क्यों नहीं जा रहा है? इस प्रकार कुछ महीने बीत गए और आखिरकार असली त्रिपुरा अपने पति के पास लौट आई और अपने साथ उनका बच्चा भी ले आई। ये देखकर चुड़ैल खुद से बोली, हाय रे, इतने दिन मैं एक मूर्ति में थी, अब मैं इस असली त्रिपुरा की जान लेकर आऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर उस मूर्ति से बाहर निकलने की काफी कोशिश की परंतु निकल नहीं पाई और त्रिपुरा उसके सामने घूम रही थी। ये देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ परंतु कुछ नहीं कर पाई। इस प्रकार वो चुड़ैल अपना खुद का कब्र खोद कर उसमें गिर गई और पुतलीराज अंजनी ही सही त्रिपुरा की जान बचाया। लाइट्स ऑफ, बत्तियां बंद, चुड़ैल की कहानी। एक समय की बात है, रायपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक बहुत ही पुराना घर के एक कमरे में एक चुड़ैल का निवास था। इस चुड़ैल का अजीब लाल आंख और डरावना रूप था, परंतु वो रोशनी से डरती थी। रायपुर गांव में चतुर राम नाम का एक बहुत ही होशियार और बुद्धिमान सरपंच था। ऐसा था कि केवल सरपंच के घर में ही बिजली थी। और बाकी गांव में बिजली नहीं होने के कारण सभी लोग अंधेरा होने से पहले ही अपने अपने काम काज निपट कर सो जाते थे। हर दिन यह चुड़ैल रात होने पर गांव में जाती और अपनी लाल आंखों से किसी एक को मार डालती थी। गांव वालों ने मिलकर सरपंच चतुर के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। कौन है ये चुड़ैल? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस चुड़ैल को मैं सबक सिखाने वाला हूँ। उस दिन रात को चतुर घर के पूरे बत्तियां बंद करके सो रहा था। वो चुड़ैल चतुर्राम के घर में घुस जाती है। बत्ती जलाने पर वो चुड़ैल को आग लगी और वो तुरंत ही वहां से भाग गई। अगले दिन चतुर्राम टीवी पर एक एड देखता है। एड देखकर उसे एक आइडिया आया और गांव वालों के मदद से एक बक्सा मंगवाता है और सभी लोगों को इकट्ठा किया और सभी लोगों को बक्से में से एक एक डब्बा बांटते हुए बोला, देखो गांव वालों, आज रात फिर से वो चुड़ैल आएगी। तुम सभी लोग एक काम करो, ये डब्बा लो और इसमें जो चीज है उसे सब लोग खाकर चबाओ, और जैसे ही वो चुड़ैल गांव के बीचों बीच आएगी तभी मेरे इशारे पर तुम सभी मेरी नकल करना शुरू करो। समझ गए ना तुम सब?
यह कहकर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। दिन बीत गया और रात होने का था। जैसे ही चुड़ैल गांव के बीचों बीच आई, गांव के सभी लोग उसे घेर लेते हैं और चतुर राम के ओर इशारे के लिए देख रहे थे। जैसे ही चतुर राम अपने दांतों को दिखाने लगा, सभी ग्रामवासी एक के बाद एक अपने अपने दांतों को दिखाने लगे और उनके दांत से रोशनी आने लगा। और जैसे ही चारों ओर से रोशनी उस चुड़ैल पर गिरा, वह वही का वही जलकर मर जाती है। ऐसे हुआ कि जब चतुर राम टीवी में हैप्पी डेंट व्हाइट का एड देखा तो उसे तुरंत मंगवाया और लोगों में बांट दिया। उसे लेने पर लोगों का दांत तुरंत चमक कर रोशनी देने लगा।